मोन्टाज में ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो है तमिलनाडु से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर काली पोती जा रही है। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी आज और कल दो दिन के दौरे पर है। पहले वो गुजरात जाएंगे, वहां से फिर तमिलनाडु, लेकिन तमिलनाडु में उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर गोबेज में मोदी चल रहा है, जबकि ग्राउंड पर उनके पोस्टर पर काली पोथी जा रही है। इस वीडियो का पूरा मामला बताऊंगा कि दरअसल हुआ क्या था, और प्रधानमंत्री जो कैमरा जीवी है, उन्हें सिर्फ कैमरे में टाइमलाइन में रहने की जो आदत है, उसका नतीजा ये हुआ कि आज उनके चेहरे पर काली पोत दी गई। लेकिन उससे पहले समझिए कि अब तमिलनाडु के लोग किस तरीके से मोदी जी का गो बैक ट्रेंड वाला हैशटैग चला रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर लाखों ट्वीट हो चुके हैं, जिस तरीके से मोदी जी को कहा जा रहा है कि गो बैक मोदी। और ये गो बैक मोदी वाला कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जब जब मोदी जी साउथ का दौरा करते हैं, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, उनको इसी तरीके के विरोध का सामना करना पड़ता है। अभी हाल ही में आपने देखा था, जब वो तेलंगाना के दौरे पे थे, वहां पर जो केसीआर है, उन्होंने किस तरीके से क्रिएटिव फोटो बैनर के जरिए उन पर हमला किया था। वो तस्वीर आपको याद होगी, जो मनी हिस्ट का कैरेक्टर था, जिसके बैनर पर लिखा था कि हमने तो सिर्फ बैंक लूटा था, आपने देश लूट लिया। इसी तरीके से तमाम ऐसे क्रिएटिव पोस्टर लगाए गए थे पूरे तेलंगाना में, जब तेलंगाना में पीएम मोदी का दौरा था। तो साउथ के लोग जो है, या साउथ की राजनीति जो है, वो बहुत जागरूक है, और वहां से लगातार प्रधानमंत्री को जो है कड़ी टक्कर मिलती है, चाहे केसीआर हो, चाहे स्टेलिन हो, या जगनमोहन रेड्डी हो। तो वहां पर जो लीडरशिप है वो लगातार मोदी का खुलकर विरोध करती है। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु में चेस ओलंपियाड का इनॉग्रेशन होने वाला है, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, उसी के लिए वो वहां पर जा रहे हैं। इसके अलावा वो एक दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। उसी को लेकर आज सोशल मीडिया पर गो बैक मोदी का ट्रेंड चल रहा है। और इस वीडियो की हकीकत देखिए, वहां के जो सीएम है तमिलनाडु के, एम के स्टालिन, उन्होंने पोस्टर बनवाया था, बैनर बनवाया था, जो एक बस स्टैंड पर लगाया था, जहां पर चेस ओलंपियाड का जो है एडवर्टीजमेंट किया गया था। लेकिन मोदी समर्थक और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इनके बैनर पर मोदी जी की फोटो चिपका दी। जैसा कि देखा जाता है कि मोदी जी कैमरे के लिए कितने आतुर रहते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं देने के लिए उनका फोटो गायब था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो रहता है। इसके अलावा इससे पहले जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था देश के लिए, उस वक्त भी जब नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं दी गई थी, वहां भी नीरज चोपड़ा का छोटा सा फोटो था और बड़ा पोस्टर मोदी जी का था। तो मोदी जी अपने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ते, और उसी का नतीजा ये हुआ, इस एडवर्टीजमेंट में मोदी जी का कोई कहीं भी फोटो नहीं था, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से एडवर्टीजमेंट था, एमके स्टालिन की तरफ से एडवर्टीजमेंट था, तो उन्हीं की तस्वीर थी, बाकी किसी की तस्वीर नहीं थी। लेकिन बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इतना बुरा लगा, उन्होंने जाके पीएम मोदी साहब की फोटो लगा दी। जिसके बाद क्या था, वहां पर एक युवक पहुंचा जो ब्लैक स्प्रे लेकर और उनके चेहरे पर काली पोत दी। तो आप समझिए तमिलनाडु में, खासकर साउथ में, किस तरीके से मोदी जी का विरोध हो रहा है। और ये पूरे सोशल मीडिया पर गो बैक मोदी ट्रेंड चल रहा है। ये देखिए, कुछ तस्वीरें भी देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए, गो बैक मोदी, तमिलनाडु का नक्शा है, मोदी जी को लात मारा जा रहा है। इसके अलावा ये देखिए, जो वहां की जनता है वो पोस्टर बैनर लेकर खड़ी हुई है, अनवांटेड गेस्ट मोदी गो बैक। तो इस तरीके से उनका बायकॉट हो रहा है, मीम्स बन रहे हैं, और जो इनके कारनामे है, चाहे हाईवे जो बनाए थे उनका धस जाना, टूट जाना हो, या जिस तरीके से 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था नौकरी में, लेकिन सिर्फ 7 लाख लोगों को ये नौकरी दे पाए, जो 1% भी नहीं बनता है, चाहे वो मामला हो। तो इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, और इनको लगातार गो बैक का ट्रेंड चलाया जा रहा है इनके खिलाफ। देखिए, वहीं दूसरी तरफ इनके जो पुराने ट्वीट्स थे, चाहे वो रुपए को लेकर हो, जब ये पहले कहते थे कि नेपाल का रुपया नहीं गिरता, श्रीलंका का रुपया नहीं गिरता, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता, भारत का क्यों गिरता है, लेकिन आज भारत का रुपया इतना गिरा है कि 80 पार हो चुका है, लेकिन इनकी जबान नहीं खुल रही है। उसको लेकर भी इनको टारगेट किया जा रहा है, इन पर निशाना साधा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आज तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी जी का बायका ट्रेंड कर रहा है, गो बैक मोदी ट्रेंड कर रहा है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री के चेहरे पर काली पोत दी गई है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।